इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसी एग्जाम्पल को और सुनो। इस WHO को यहां पे 2 साल हो गए और वो अमेरिकन बंदा भी यहां पे 2 साल से हो गया उसको काम करते करते यही इंडिया में। पहले बताओ WHO नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया की है या नहीं है? 2 साल हो गए हैं। वो अमेरिका का लड़का मिस्टर मैक्स, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है? वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है? यस, वो इंडिया का रेजिडेंट बनेगा। वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि उसे उसे 12 महीने से ज्यादा हो गए इधर पे, इधर 12 महीने से ज्यादा हो गया उसे। यही चांदनी चौक में परांठे वाली गली में परांठे खाने जाता, 12 महीने से ऊपर हो गए उसको। ऐसे कैसे जाने दें हम उसको? अब मतलब जाने तो देंगे, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट है वो, यहाँ का कहेगा, उसकी इनकम हम भारत की इनकम में जुड़ेगी, उसके ऊपर सरकार भारत सरकार टैक्स लेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर वो 2 साल के बाद चला गया सर, बेटा फिर ये देखना आयुष कि वो 2 साल के बाद जब वो वहां गया है, अमेरिका गया है, तो वो वहां पे जाकर के कितने दिन काम करके आया है। अगर वो वहां पे 12 महीने से ज्यादा काम कर गया, 12 महीने से ज्यादा काम कर गया, तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। और अगर वो 12 महीने से पहले ही इंडिया में वापस घूम के आ गया, वापस वापस आ गया इंडिया में काम करने के लिए, तो वो अभी भी इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। यानी अगर आपको अपने सर के ऊपर से नॉर्मल रेजिडेंट का टैग हटाना है, तो आपको दूसरी कंट्री के अंदर 12 महीने से ज्यादा काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल शुभम, सही बात पकड़े आप। तीसरा, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। एम्बेसीज पता है क्या होता है? जल्दी बताओ, एम्बेसीज पता है? अच्छा पता है। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स। ये जो मैंने नाम आपके सामने लिखे हैं, ये जो मैंने नाम आपके सामने लिखे हैं, अगर इनको यहां पर, ये कभी भी भारत के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। अब मैं एग्जांपल एम्बेसी का दे देता हूं, एम्बेसी का ही दूंगा, ठीक है दोस्त, ये आसान है समझना। एम्बेसीज का मतलब ये होता है कि जैसे कि हर एक, वैसे हर एक देश के अंदर हर, हाँ हर देश के अंदर हर दूसरे देश की एम्बेसी होती है। जैसे इंडिया के अंदर अमेरिका की एम्बेसी भी होगी, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी भी होगी, सिंगापुर की भी होगी, सबकी सब जगह की एक ऑफिस ऑफिस सा खुला हुआ होता है। सर जी कहां पे? कनाट प्लेस से आगे जाकर। अगर आपको अमेरिका जाना है तो पहले आपको अमेरिका की एम्बेसी जाना पड़ेगा जो इंडिया में सिचुएटेड है। आप वहां जाओगे, आप वहां अपना जो भी वो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो वहां जमा होगी। अगर वो परमिशन देते हैं तभी आप अमेरिका जा सकते हो। अब अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है और वहां से अमेरिकन काम करने के लिए एम्बेसी में काम करने आएगी, ऑब्वियस सी बात है, जो फिरंगी लड़की है वो यहाँ पे काम करने आई है इंडिया में और अमेरिका की एम्बेसी में काम कर रही है, उसे 12 13 14 महीने हो गए, वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगी या नहीं? जल्दी बताओ। उस लड़की को 14 महीने हो गए इधर? नहीं नहीं जानवी, नहीं नहीं अभिषेक, नहीं। इसलिए तो इनको अलग से लिखा गया। अरे भाई उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है, क्या करे वो बताओ मुझे। काम तो अमेरिका के उसमें ही कर रही है, एम्बेसी में करना पड़ेगा। ऐसे कोई आदमी 11 महीने के बाद नौकरी, 12 महीने जैसी, 12 महीने में 2 दिन खत्म होने में रह रहे हैं, नौकरी छोड़ दो फिर तो, और फिर मिले ना मिले, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो इन लोगों को अलग रखा गया है। अब आर्मी आती है यहाँ पे, है आर्मी बिछी हुई है, अब उन वो 12 महीने से ऊपर है यहाँ पे, वो
कोई है आर्मी का बंदा यहाँ पे, अब वो इंडिया का बना दोगे तुम? मतलब वो यार अमेरिका के काम से है बैठा हुआ है यहाँ, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ कि आप तू इंडिया का ही है भैया, आ जाए इधर को कुछ में चल। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? तो फॉरेन एम्बेसी में जो स्टाफ काम करता है, आर्म फोर्सेस का जो स्टाफ होता है, वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का नहीं माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट। फिर मैंने इसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के बारे में आपको बता दिया था कि वो जब भी बनेंगे, अगर उनको 12 महीने से ऊपर ये दर हो गए, अगर नहीं हुए तो वो नहीं माने जाएंगे। ठीक है जी। थ्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, बेटा फॉरेन वेसल्स का मतलब है जैसे फिरंगियों के जहाज वहाज आए हुए हैं, अरे उसमें जो उसके जो मेंबर हैं वो उस जहाज पे जो काम करने वाले हैं, अमेरिका का जहाज है, अमेरिकन ही काम कर रहे होंगे, वो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन यहाँ खड़ा हुआ है, तो उसके वर्कर भी यहीं रहेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसको अपना बना लोगे। अब ऐसे कोरोना हुआ है, हाँ लो एग्जाम्पल लो, कोरोना हुआ, हमारा भारत का बंदा अमेरिका में फंसा हुआ है, बना दे अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट? नहीं, बताओ मुझे। बेटा देखो, यहाँ पे फॉरेन वेसल्स की बात हुई है, तो कोई भी जहाज, कोई भी कुछ भी 1 साल तक क्यों खड़ा रहेगा हमारे यहाँ? हमारे यहाँ 1 साल तक क्यों खड़ा रहेगा? कॉमन सेंस है, अरे 2-4 दिन, 20 दिन तो समझ में आता है, साल साल भर खड़े रहोगे क्या? अगर रहोगे तो फिर आप हमारे हो जाओगे, समझ में आ रही है? तो इसलिए उसको भी दूर रखा गया है कि क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, सीजनल वर्कर एटसेट्रा। मैं वो वर्ड आपको बता रहा हूं जो आपके काम के हैं, ये सब पार्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग का है, याद आपने सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की परिभाषा कर ली है, इसको याद करना है बस, लेकिन ये समझना जरूरी है। उसके बाद है बॉर्डर वर्कर। अब इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, और उस बॉर्डर के एक पाकिस्तानी है, उसका खेत है बॉर्डर के पास, लेकिन वो खेत इंडिया में पड़ता है, बंदा पाकिस्तान का है। अब वो यहाँ काम करने आता है, काम करता है और अपने देश वापस चला जाता है, एक छलांगी मारी पाकिस्तान, एक छलांगी मारी इंडिया, काम करने सुबह इंडिया आता है, छलांग मार के खेती बाड़ी करी, शाम को घर चला गया। तो ऐसे लोगों को भी आप इंडिया का नागरिक नहीं कहला, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोलोगे, वो पाकिस्तान का ही नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा। इतनी बात समझ में आई है? जल्दी बताओ, जल्दी आओ। याद करने वाला सिर्फ ये है, रिपीट कर रहा हूं बार बार, ये आपको दिमाग में जरूर रखने हैं, लेकिन सब पॉइंट चलो मुझे बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, ठीक है? उसके बाद हम डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं या नहीं, आपको ये पहचान।